सत श्री अकाल जी, ग्लोबल न्यूज़ 13 विच तुहाड़ा स्वागत है। खबर है जी अमृतसर तों। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह दे दिशा निर्देशों दी रोकथाम दे चलाई गई मुहिम दे तहत थाना सदर दी पुलिस नूं नशे दे खिलाफ एक वड्डी कामयाबी मिली, जिस दे चलदे मीडिया नाल गलबात करदे होए ACP नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने दस्या कि थाना सदर दे SI सुनील कुमार इंचार्ज पुलिस चौंकी विजय नगर समेत पुलिस पार्टी वालों गश्त दे संबंध विच मजीठा रोड बाईपास तो मजीठा पिंड वल नूं जा रहे सी तां जदों पुलिस पार्टी एक रूप नैवी न्यू मोड़ कोल पुजी तां एक रूप नैवी न्यू दी गली दे अंदर एक चिट्टे रंग दी स्विफ्ट कार नंबर PB 89 7796 मार्का स्विफ्ट मेन सड़क ते नज़दीक लंघी, जिस नूं ASI सुनील कुमार ने टार्च नाल रोकण दा इशारा कीता तां कार विच दो व्यक्ति नौजवान कार दियां बारियां खोल के पिछे गली वल नूं दौड़ गए, जिस नूं ASI सुनील कुमार ने पुलिस पार्टी दी मदद नाल काबू कर लिया ते नाम पता पुछन, जिस ते पहला नौजवान ने अपना नाम जगजीत सिंह अते दूसरे नौजवान ने अपना नाम संदीप सिंह दस्या। गिरफ़्तार दोषियों पासों 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। कार स्विफ्ट बरामद की गई। उन्हां कहा कि तीन दे खिलाफ़ मामला दर्ज करके अदालत विच पेश करके 2 दिनों का रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने दस्या कि उन्हां विच्चों एक दे खिलाफ़ पहला भी नशे दे मामले दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने गलबात करते हुए कहा कि दौरान रिमांड पुछे दौरान होर कई नवें फसे हुए की संभावना है। तुसी देख रहे हो ग्लोबल न्यूज़ 13। ग्लोबल न्यूज़ 13 दे लई सुखदेव सिंह मोनू की विशेष रिपोर्ट। अमृतसर कमिश्नर दे थाना सदर विखे 9 तरीक नूं एक सब इंस्पैक्टर सुशील कुमार ते उन्हां दी टीम वल्लों एक बजीठा रोड ते एक नाकाबंदी की गई सी, जिस विच जो नाकाबंदी करते दौरान रात के टाइम च एक स्विफ्ट गड्डी आई। स्विफ्ट गड्डी च 2 नौजवान सन। जदों उन्होंने बैटरी की लाइट मार के उन्होंने रोकने की कोशिश की तो दोनों नौजवान गड्डी छड़ के भज्जन लगे। तो भाई दिन जो दोनों नौजवानों फड़िया उन्होंने अपना नाम संदीप सिंह सन ऑफ इकबाल सिंह जो कि कोट केसरा सिंह का रहने वाला वा, दूसरा जगजीत सिंह सन ऑफ रेशम सिंह जो कि हरसा शीना का रहने वाला वा। इन दोनों नौजवान ने अपनी जेब चो कढ कुछ मोमी लिफाफा सिटन की कोशिश की, जिसनों जो साड़ी पुलिस ने कब्जे च लिया तो उस विचों सानू 1.5 किलो अफीम बरामद हुई, जिस तो बाद असी इन दे खिलाफ़ पुलिस स्टेशन सदर विखे NDPS के तहत मुकदमा रजिस्टर किया। तो इन दोषियों असी कोर्ट पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया तो अगे पुछगिछ जारी है जी। जो ये दोनों नौजवान ने दोनों के उत्ते एक उत्ते कोई मुकदमा नहीं तो एक उत्ते इस तो पहला एक चोरी का मुकदमा दर्ज है, बट इन दोनों के विचों किसी के उपर भी कोई NDPS का पहला कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं। ये उन्होंने खिलाफ़ दोनों के खिलाफ़ पहला मुकदमा NDPS दर्ज। जो दोनों नौजवान ने यह जो मतलब जट सिख फैमिली किसानी परिवार तो ने ते किसी को एक किला किसी को अद्धा किला इस तरीके नाल ने ते दोनों पहला अपने जो खेतों में जिन्नी भी जगह सी जमीन सी उस दे विच काम कर करते सी, बट इंस्टेंट मनी मतलब फॉरन पैसे बनाने के चक्कर दे विच ये दोनों नौजवान इस धंधे दे विच पए ने। ते ईवन कि दोनों नौजवान कोई दोनों जो खास कोई नशे दा आदी नहीं है, बट इन्होंने हुण तक इहो जिहीआं खेपां कई लै के अगे वेच चुके ने। बिल्कुल जी, जो इस पिछों असी जो बैकवर्ड लिंक ट्रेस किया वा उस विच जो दोषी अगे असी उसनूं नामजद कर लिया वा, वो असी उस दोषी नूं फड़न की तलाश विच हां। इस करके
करके उसका नाम असं अजे उजागर नहीं कर रहे, बट जो ही वो बंद अरैसट हो जूगा सानू पूरी उम्मीद है कि उस को भी काफ़ी खेप बरामद होने की पूरी उम्मीद है। जो दूसरा दोषी है जी वो अपने पंजाब का रहने वाला ही है, तो इस करके असी उसके खिलाफ अजे उस लभ कर रहे हैं। जे उस जो वो सानू उसकी भाल होगी वो अगर दसूगा कि यह जो वड्डी खेप आँदी सी ये किस जगह तो लैके आते सी किन्ने बच्चे खरीदते सी। बिल्कुल जी, जो ये खेप लैके आए थे 1.5 किलो की, ये करीब 1,74,000 की इन्होंने खरीदी सी। तो अगे जो भी अलग अलग लोगों किसी को कोई 10 ग्राम किसी तोला किसी को ये अगे बेचते सी, अलग अलग जगह इन्हों के पक्के कस्टमर से खाने वाले उन्होंने ही अगे बेचते सी। ये देखो जी अगे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जी, अगे किस तरफ तो सानू जो भी इन्वेस्टिगेशन अगे आऊगा उस तो बाद ही तुहानू दस सकते हैं जी।